हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इसमें डिस्कस करने वाले हम 21 पार्ट में कंटिन्यूशन है, जो हमारा पहला 20 पार्ट था उससे आगे। तो 20 पार्ट में हमने बाली समिट तक या बाली मीटिंग तक छोड़ा हुआ था, ठीक है। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे कोपेनहेगन समिट, कानकुन समिट, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, डर्बन समिट, दोहा आउटकम, पेरिस 2015 वाला, एंड अदर मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोपेनहेगन समिट से। ये हमको पता है कि 2009 में हुआ था, पहले ही हमने देखा है। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी बाली समिट की, जो बाली मीटिंग की, जिस जो 2007 में हुई थी। और इसमें कहा गया था कि बाली मीटिंग के दौरान जो कुछ भी यहाँ पर प्रोविजंस रखे गए हैं, इन प्रोविजंस को फाइनलाइज किया जाएगा 2 साल बाद, 2009 के कोपेनहेगन समिट में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि कोपेनहेगन समिट जब हुआ तो यहाँ पर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में रिफ्ट बढ़ने लगा, यानी कि इन बीच में डिसएग्रीमेंट होने लगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। क्योंकि अब डेवलप कंट्रीज चाहते थे कि कहीं ना कहीं अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं ये भी पॉल्यूट कर रही हैं, इसलिए इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उतनी बनती है और ये बाइंडिंग इन पर भी होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होती हैं फिनेंस को लेके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके। यहाँ पर डेवलप कंट्रीज ये नहीं चाहती हैं फिनेंस किसी को देने या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना। तो इन सब चीज़ों को लेके आप देखेंगे कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में आपको असहमति यहाँ पर बनती है। इस वजह से यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट होता है वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था। ध्यान रखिएगा, जो क्योटो एग्रीमेंट वाला या क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो बात थी, वहाँ पे वो जो था वो डेवलप्ड कंट्रीज पर बाइंडिंग था। लेकिन यहाँ पर जो कोपेन समिट में जो एग्रीमेंट लिए गए, ये किसी पर बाइंडिंग नहीं था। अगेन यहाँ पर जो गोल था वो कहा गया कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, इस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की ज़रूरत है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ये ना बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ 2020 तक ये डेवलप्ड कंट्रीज अपने टारगेट फिक्स करें कि कितना वो 2020 तक वो एमिशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को ये भी मिलेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी कि ठीक है, हम धीरे धीरे अपना रेट कम करेंगे, लेकिन हम रिडक्शन नहीं करेंगे आउटपुट का। रेट कम होगा बढ़ने का, लेकिन ये नहीं कि आज हम जितना कर रहे हैं उसे हम रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री का ये कहना था। वहीं साथ ही साथ ये जो लो इमिटिंग इकोनॉमीज थी, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज, उनको इंसेंटिव की ज़रूरत थी, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ताकि वो लो इमिशन का जो बात है, ये जो रास्ता है, उस पर कंटिन्यू रखे। यहाँ पर ये भी कहा गया कि डेवलप कंट्रीज को 2010 से 12 तक $30 बिलियन पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे, या फिर उसके अलावा और सोर्सेस फिनेंस करने के लिए। और यहाँ पर एक गोल बताया गया कि गोल क्या होना चाहिए कि 2020 तक $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से पैसा इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इसके बाद COP16 कानकुन समिट होता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक नया फंड बनाने की बात हो रही थी, जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम दिया गया। और इसमें कहा गया कि हर साल पर एनम $100 बिलियन यहाँ पर पैसे रखे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और नेटवर्क की भी एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस चीज़ को लेके यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। किस चीज़ को लेके? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। ये जो फंड बना था ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसमें हर साल $100 बिलियन रखने की बात हो रही थी, इस चीज़ को लेके यहाँ पर आपको सहमति नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि फंडिंग को लेकर इशू होता है कि कौन ये इतना पैसा देगा, डेवलप कंट्रीज तैयार नहीं होते हैं पैसा देने के लिए, तो ये आगे नहीं बढ़ पाता।
ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हमारा जो रिडक्शन होगा वो 1990 के लेवल पर होगा, ठीक है, इस चीज़ को लेकर तैयार होते हैं। तो आप यहाँ पर कानकुन समिट में देखेंगे कि ये जो आपका GCF था ये फाइनलाइज नहीं हो पाया, और क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा टाइम था यानी कि 2012 के बाद अब क्या होगा, इस चीज़ को लेके भी यहाँ पर आपको फाइनलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म देखने वाले हैं जो यहाँ पर यूज़ हुआ था कानकुन समिट में। यहाँ पर तीन चीज़ें यूज़ हुई थी, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड अडेप्टेशन कमेटी। तो यहाँ पर तीन तरीके के मैकेनिज्म यूज़ हुआ था कानकुन समिट में। तो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म क्या है? टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को रोकने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ इसके दो पार्ट आप समझ सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया, और ये डेवलप कंट्री के द्वारा जो लिस्ट डेवलप कंट्री है उनको या फिर जो डेवलपिंग कंट्री है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये एक फंड था जिसमें 100 बिलियन डॉलर पर इनम यहाँ इसमें रखा जाएगा, इसलिए बनाए जाने की बात थी, भले जो फाइनलाइज नहीं हो पाया। तो इसमें जो पैसे रखे जाएंगे उसका यूज़ क्या होगा? उसका ये होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जो अडेप्टेशन या मिटिगेशन के लिए, उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम यहाँ से किया जाएगा इस फंड के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि 2020 तक इसमें बात की गई थी कि हर साल 100 बिलियन डॉलर पैसा यहाँ पर रखने की बात होगी। ठीक है, और ये जो फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सीधा उस प्रोजेक्ट लगाने वाले को ही पैसा दे देंगे। अब उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट भी लगा सकती है या कोई प्राइवेट सेक्टर भी लगा सकता है, तो आप सीधे जाके उस पार्टी को पैसा नहीं देंगे, मतलब जो प्राइवेट पार्टी या जो लगा रही है उस प्लांट को, आप गवर्नमेंट को पैसा देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट जिसको देना है वो उसको देगी। ठीक है, इशू क्या है, ये फंड कैसे राइज होगा? काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 100 बिलियन डॉलर, वो भी हर साल। कौन पैसा देगा इतना, कहाँ से आएगा? प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में को रिड्यूस करने में इस तरीके से सहयोग करेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए एक प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी फंड भी बनाने की बात की जा रही थी। इसके अलावा कि कंट्री ओनरशिप क्या होगा रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज पर कंट्री का अधिकार कितना है और कितने हद तक वो कंट्री रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है, उनका यूटिलाइजेशन कर सकती है। साथ में ये भी कि फेलर टू बैन फॉसिल फ्यूल्स फंडिंग नियर क्लाइमेट फिनेंस अंडर क्लाइमेट फिनेंस। इसमें ये भी नहीं किया कहा गया कि आप जो फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए आप जो फंड देते हैं उसको भी बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फॉसिल फ्यूल्स के कंजप्शन को रोकेंगे नहीं तब तक ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं जो आप फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं उसकी फंडिंग को भी कम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं कही गई। अडेप्टेशन फंड की बात की गई, अडेप्टेशन फंड ये मेनली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ा या पड़ने वाला था उसके जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए यहाँ पर एडेप्टेशन फंड की बात की गई थी। तो इसके लिए एडेप्टेशन फंड के लिए एक फंड बोर्ड बनाया जाएगा, एडेप्टेशन फंड बोर्ड बनाया जाएगा जो इस एडेप्टेशन फंड को सुपरवाइज्ड और मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, इस एडेप्टेशन फंड का जो सेक्रेटेरिएट सर्विस होगा, सेक्रेटेरिएट जो सर्विस होगा ये प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा? GEF के द्वारा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट सर्विसेज टू द AFB यानी कि एडेप्टेशन फंड बोर्ड, और वहीं वर्ल्ड बैंक जो होगा वो इस बोर्ड के एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन दोनों इंटरिम बेसिस पर होंगे, यानी कि परमानेंट बेसिस पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद डर्बन समिट आता है, डर्बन समिट जिसमें कॉप यानी कि COP 17 की बात आती है। इसमें इसमें आप देखिएंगे कि यहाँ पर इंडिया दो तरीके की डिमांड लेके जाता है। एक तो डिमांड था इक्विटी,
यानी कि सभी का बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रीन हाउसेस को कम करने की। साथ ही साथ ये भी इसमें कहा गया है कि ये जो पूरा सिस्टम अभी बनेगा और पूरा जो फ्रेमवर्क या प्रोविजंस बनेंगे ये 2020 के बाद इनको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के दो ये प्रोविजंस थे जिनको एक्सेप्ट भी यहाँ पर किया गया था। तो आउटकम्स देखेंगे कि इसमें कहा गया कि ये जो नया डील है इसको 2015 तक फाइनलाइज किया जाएगा और इसे 2020 में लॉन्च किया जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड को लॉन्च किया गया लेकिन अभी भी इसमें पैसा नहीं था, बिल्कुल इनपिटे ही थी। ठीक है, साथ ही साथ इक्विटी, जो इंडिया ने जिस इक्विटी की बात की कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर इसको कम करना, इसको भी रखा गया कि फ्यूचर जो हमारी टॉक्स होंगी क्लाइमेट पर उसमें हम इक्विटी को भी मैटर करेंगे। साथ ही साथ एडेप्टेशन मैकेनिज्म की बात की गई, यानी कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का उस इम्पैक्ट से कैसे निपटा जाए, इसके लिए डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसके लिए फिनेंस की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से आएगी, सारी चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म की बात की गई, तो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म में ये हुआ मेनली यहाँ पर अकाउंटिंग को ध्यान में रखा गया। अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में क्या था कि जितनी भी इमिशंस हो रही है, कितना रिडक्शन हुआ है, उसके लिए पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, अकाउंटिंग होगी, वेरिफिकेशंस होगा कि पार्टीज ने सही से डेटा उसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंडिया के लॉस और गेन की अगर बात करें कम्प्लीटली, तो वैसे तो इंडिया ने जो प्रोविजंस वगैरह दिए थे उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर 10 साल का एक पीरियड भी चाहता था इंडिया ताकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और उस बीच में हमें कम नहीं करना पड़े, इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, लेकिन खास करके आईपीआर से रिलेटेड जो मैटर था कि 10 साल तक इस तरीके कोई आईपीआर वायोलेशन भी कंसीडर ना किया जाए, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी अभी कोई यहाँ पर फाइनलाइज चीज़ें नहीं हुई थी क्योंकि जो डेवलप वर्ल्ड था वो ना पैसा देने के लिए राजी था ना वो टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी था, तो डेवलपिंग वर्ल्ड से रिलेटेड जो लूप होल थे वो अभी भी बरकरार थे। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के अंदर में एक नया टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, एग्रीकल्चर, और ये डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ आपको गेन और लॉसेस देखने को मिलेंगे जो डर्बन समिट के दौरान हुए थे। तो इसके बाद एक दोहा मीटिंग होती है 2012 में, तो ये 2012 ये लास्ट ईयर था पहले कमिटमेंट टारगेट का, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो 2008 से लेके 2012 तक ये पहला कमिटमेंट ईयर था, तो 2012 ये ख़त्म होने वाला था। तो 2012 के बाद यानी कि 2013 से इस जो स्टार्ट होगा सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो 8 साल का होगा, यानी कि 2013 से लेके 2020 तक के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा समिट के दौरान। साथ साथ में इसमें ये भी कहा गया कि इसके अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तीन मैकेनिज्म जो अपनाए गए थे, सीडीएम था यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन था, ये जो इमिशंस यानी कि कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी ये सारी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, और सेकेंड कमिटमेंट पीरियड यानी कि 2013 से लेकर 2020 के बीच में वो सारी चीज़ें अलाउ रहेंगी डेवलप कंट्रीज के लिए जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर एक और चीज़ सामने आई, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क, किस तरीके से इनको रिपोर्ट करना है, डेटा को फिट करना है, उसके बाद उनका वेरीफाई करना है किस तरीके से, एक SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया गया। ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया। साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि आपने पढ़ा था ना कि जो अगर कोई फेल हो जाता है अपने फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में इमिशंस को रिड्यूस करने में तो क्या होगा, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो कहा गया कि जो सरप्लस असाइन होगा वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर होगा नेक्स्ट कमिटमेंट पीरियड में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 2015 में समिट होती है जिसको पेरिस समिट भी कहा जाता है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है, लगभग हर साल रहती है क्योंकि इसके प्रोविज़न अब पूरी तरीके से फाइनलाइज हो ही नहीं पाते। फिर अभी USA भी निकल गए यहाँ से, तो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो फ्रांस के पेरिस में COP21 की मीटिंग होती है जिसमें जो प्रोविजंस को फाइनलाइज किया जाता है इसको 2020 के बाद
इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। तो इसमें 195 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पार्टीज यहाँ पर भाग लेती हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अडॉप्टेड किया जा इसको अडॉप्ट किया जाता है 12 दिसंबर 2015 को, और ट्रीटी साइन की जाती है 178 यानी कि 178 जो UNFCCC के मेंबर्स थे यहाँ पर ट्रीटी को साइन करते हैं। लेकिन ये ट्रीटी अभी इंटर नहीं होती है क्योंकि ये 2020 के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाना था। ठीक है, एम की बात करें तो कहा जाता है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ऐसा नहीं है कि अभी से, ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात है। तो वहाँ से लेकर 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको रहने दें, इससे ज़्यादा ना करें। वैसे हमारा टारगेट 2 है, लेकिन हमारी कोशिश 1.5 तक ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को किस तरीके से रोकना होगा। अगेन यहाँ पर फिनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड यहाँ पर मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगेन कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया गया किसी कंट्री को। यहाँ पर अगेन सारी कंट्रीज को ये कहा गया कि आपको अपने तरीके से जो मैटर होगा वो रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिस चीज़ को कहा गया, इस कंसेप्ट को कहा गया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि हर एक कंट्री अपने तरीके से ये डिसाइड करेगी कि कितने टाइम पर उसको कितना इमिशंस को कम करना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो डिसाइड किया जाएगा वो हर 5 साल में उसका रिव्यू होगा कि आपने जो डिसाइड किया था वो आपने कितना कम किया था। ठीक है, अगेन ये नॉट बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी पर। हर कंट्री अपने तरीके से वो अपना डिसाइड करेगी। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 2030 तक 2005 की लेवल पर 33% से 35% ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी कहा कि 2030 तक हम क्या करेंगे कि 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को हम क्या करेंगे, उसका कार्बन मतलब CO2 को सिंक किया जाएगा, यानी कि कार्बन सिंक, इनको कैप्चर किया जाएगा। कैसे कैप्चर करेंगे, फॉरेस्टेशन के द्वारा। यहाँ पर फॉरेस्टेशन किया जाएगा, प्लांट्स लगाए जाएंगे जो 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंडिया ने अपने इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में बताया। ध्यान रखिएगा ये सभी नॉन बाइंडिंग ही था। ठीक है, नाउ ग्लोबल स्टॉक टेक, इसमें बात ये की गई थी जैसा हमने पहले बात की कि इसमें कहा गया था कि हर एक 5 साल पर रिव्यू किया जाएगा कि आपने कितना किया, लेकिन इसमें ये कहा गया कि पहला जो रिव्यू होगा वो 2023 में होगा। ठीक है, उसके बाद हम हर 5 साल पर करेंगे, लेकिन पहला हम 2023 में रिव्यू करेंगे। अगेन ये जो रिव्यू होगा वो इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं होगा कि एक कंट्री ने कितना किया इमिशन, ये पूरा कलेक्टिव बेसिस पर होगा कि पूरे कंट्री ने मिला के कितने इमिशंस को रिड्यूस किया। एक कंट्री का हम करके क्या करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पूरे ग्लोब का 2 डिग्री सेल्सियस तक को रोकना है। अब एक कंट्री ने किया या नहीं किया फिर उससे मैटर नहीं करता है ना, इसे कलेक्टिवली रूप से, अब चूंकि नॉन बाइंडिंग भी है तो इसलिए कलेक्टिवली रूप से पूरे कंट्री का मिला के यहाँ पर देखा जाएगा कि आपने कितना इमिशन को कम किया। इसके अप्रोच की अगर बात करें तो ये जो अप्रोच होगा ये बॉटम अप अप्रोच होगा। इससे पहले जो भी प्रोविजंस हुआ करते थे वो टॉप डाउन अप्रोच हुआ करते थे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता था कि ये काम करना है, उसके बाद कंट्री अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन यहाँ पर कंट्री डिसाइड करेगा कि उन्हें क्या करना है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फ्रेमवर्क बनी हुई है वो उसको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बॉटम अप अप्रोच देखने को मिला। एडेप्टेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर एडेप्टेशन को इसको फोर्स में लाने के लिए जो एक क्राइटेरिया था कि कम से कम 55 कंट्री इसको रेटिफाई करें और इनका कम से कम 55% ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होना चाहिए इन 55 कंट्रीज को मिला के, कम से कम। तो 55 कंट्रीज एंड 55% ग्रीन हाउस गैस का इमिशन अगर इतना होता है तो
तो ये फोर्स हो जाएगा, उस टाइम से इम्प्लीमेंट ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 55% कब का टाइम क्या था, अकॉर्डिंग टू 2015 लेवल, ठीक है, उसके लेवल पर ही, 2015 के लेवल पर ही 55% ग्रीनहाउस गैस के इमिशन को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इंडिया ने इसको साइन भी किया, इंडिया ने इसको रेटिफाइड भी किया, और इंडिया रेटिफाई करने वाला 61st यानी कि 100वां कंट्री बना जो इन्होंने ऐसा किया। लास्ट टॉपिक आज का, अदर मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC, जिसमें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की बात होगी, जिसको कन्वेंशन 2001 के अंडर में बनाया गया था, इसका अगेन काम क्या था, इसका चूंकि फंड है तो इसका काम है फिनेंस करना, पैसे देना किसको, एडेप्टेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होगा वो एक ऑपरेटिंग एंटिटी की तरह काम करेगा इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट इससे हम आगे जाएंगे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से आगे पढ़ेंगे कि और इसमें क्या आपको डेवलपमेंट होता है और कौन कौन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।